सितंबर 2023 को एक ही दिन में 3 नागरिकों की सड़क हादसों में मृत्यु के कारण चंद्रपुर शहर में यातायात व्यवस्था और भारी वाहनों का मुद्दा फिर से गरमाया है। चंद्रपुर नागपुर महामार्ग, बंगाली कैंप और मूल मार्ग के साथ साथ बाईपास रोड पर जानलेवा दुर्घटनाओं की रोकथाम की मांग को लेकर जन विकास सेना ने अब आक्रामक रुख अपना लिया है। दोपहर 12 बजे जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख, महिला अकाड़ी की मनीषा बोबड़े के नेतृत्व में जन विकास सेना के कार्यकर्ता और युवा अकाड़ी के अक्षय येरकुडेरे दिवंगत अनीता ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पुलिस द्वारा यातायात रोके जाने पर जन विकास कार्यकर्ताओं की पुलिस से आधे घंटे तक नोकझोंक होती रही। गुस्साए कार्यकर्ताओं और नागरिकों के जोश को देखते हुए आखिरकार पुलिस ने उन्हें सड़क के दुर्घटना स्थल पर श्रद्धांजलि देने की इजाजत दे दी। जन विकास सेना की मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग क्रमांक 1 के कार्यपालन अभियंता सुनील कुंभे और रामनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक राजेश मूले ने दुर्घटना स्थल पर दिवंगत अनीता ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित की और ज्ञापन स्वीकार करने के बाद जन विकास कार्यकर्ताओं ने अपना आंदोलन पीछे ले लिया। जन विकास सेना ने जिला प्रशासन को शहर में घातक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 8 दिनों के भीतर उपचारात्मक उपायों की योजना शुरू नहीं करने पर जोरदार आंदोलन की कड़ी चेतावनी दी है। नागपुर मार्गावरील 5 अपघात प्रवण ठिकाणांची ओळख पटवून 1.5 वर्षापूर्वी आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जे रस्ते सुरक्षा समितीचे सदस्य असतात त्यांना पत्र देऊन या 5 मार्गावर गतिरोधक लावण्याची मागणी केली। 1.5 वर्षात त्यांनी कोणती कार्यवाही केली नाही म्हणून त्यापैकी एक स्थळ असलेल्या MDR मॉल समोरून जवळच्या अंतरावर 10 मीटरवर त्या दिवशी अपघात होऊन दिवंगत अनिता ठाकरे यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। त्याच दिवशी चंद्रपूरच्या बंगाली कॅम्प रोडवरही 2 अपघात झाले व दोघांचे मृत्यू झाले। चंद्रपूर शहरातील बंगाली कॅम्प रोड, नागपूर मार्ग आणि बायपास मार्ग, मूल मार्ग हे जीवघेणे ठरत आहेत। रिंग रोड राजकीय हेतूने काही नेत्यांनी रद्द केला, पर्याय रिंग रोडची व्यवस्था केली नाही। या रोडवर जी वाहने उभी राहतात ते शोरूमचे मालक, बार रेस्टॉरंटचे मालक हे पोलीस प्रशासनाला, जिल्हा प्रशासनाला, वाहतूक विभागाला हप्ते देतात। जीव गेले तरी चालते, हप्ते बंद झाले पाहिजे। हप्ते मिळत असाल तर जीव गेले तरी दुर्लक्ष करायचं, कारवाई करायची नाही, ही प्रशासनाची भूमिका आहे। याचा निषेध करण्यासाठी आज या ठिकाणी आम्ही दिवंगत अनिता ठाकरे यांना श्रद्धांजली अर्पण केली। ज्या ठिकाणी त्यांचा अपघात झाला त्या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करून 8 दिवसाचा वेळ आम्ही प्रशासनाला देत आहोत, तसं पत्र देत आहोत। आम्ही सुचवलेल्या उपाययोजनेनुसार जर 8 दिवसामध्ये कारवाई झाली नाही तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासन व शासनाची असेल। BCN न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़े की स्पेशल रिपोर्ट।